कहते हैं कि गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाने से दिल की मुराद पूरी हो जाती है। उन्हें 21 मोदक ही क्यों चढ़ाते हैं कि क्योंकि उनके साथ सभी देवी देवताओं का भी पेट भर जाता है, इसलिए उन्हें 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं। चलिए देखते हैं मोदक में क्या सारण भरते हैं। मोदक का अर्थ है आनंद निर्माण करने वाला या खुशी निर्माण करने वाला। मैंने गैस पर एक पैन रखा, उसमें 1.5 टीस्पून मैंने घी डाला और मैंने खसखस डाला, थोड़ा सा भून लिया और मैं 1.5 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाला और उसी का 50% यानी कि मैंने 1/4 कटोरी गुड़ लिया। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ गुड़ का थोड़ा सा मॉइस्चर कम होने दीजिए बस। और चुटकी भर मैंने यहाँ पर नमक डाला था। कहते हैं स्वीट डिश में नमक डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। और यहाँ मैं इलायची और जायफल का पाउडर डाला था और थोड़ा सा मिक्स करके मैंने निकाला था, बस इतना ही। और मैंने इंद्रायणी 1 कटोरी चावल लिया था, इसे 4-5 घंटे के लिए मैंने भिगोया और पानी से अच्छी तरह से धो लिया और 10 मिनट के लिए ये मैंने स्ट्रेन करने के लिए रखा था। और जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लेना है। उसी वही पानी थोड़ा थोड़ा डाल के एकदम बारीक मैदे जैसे पीस लेना है। एक ही कटोरी पानी यूज़ करना है जिस कटोरी से आपने चावल लिया था, और वो बाद में उसी बचा हुआ पानी से मिक्सर की बर्तन धो के आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला था और 1 टीस्पून घी डालिए और डबल बॉयलर के मेथड से इसे पकाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंटिन्यू चम्मच को हिलाते रहना है, अजीब बात आपको रुकना नहीं है, बस 4 से 5 मिनट में ये बन जाता है। और ये कुछ भी नीचे से चिपकता नहीं है, कंटिन्यू आपको हाथ चलाते रहना है बस। अभी ये 4 से 5 मिनट में बन जाता है, अभी ये बन गया है फ्रेंड्स। गैस बंद कीजिए और 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़िए। बाद में इसे 1/2 घंटे के लिए रखिए, दिन भर भी रखिए चलेगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। जैसे उकड़ का आटा निकालते हैं उसे तभी करना पड़ता है, लेकिन इसे आप दिन भर रख सकते हैं। इस तरह जो चावल भिगो के करते हैं ना, दिन भर आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ाया है फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। थोड़ा सा घी और पानी लगाकर आपको हाथ से ही करना है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहते हैं क्योंकि एक बार शिव जी और गणेश जी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में गणेश जी का सिर कट गया था। तभी पार्वती जी के जिद की वजह से उन्होंने जो भी पहले जीव मिला था उसका सिर लाकर लगाया था, उन्हें हाथी मिला था। तो उसे देखकर पार्वती जी ने कहा था कि इस रूप में मेरे बेटे का ऐसे नीचे से एकदम नीचे से आपको प्लेट लेना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा चावल का आटा हो तो लगा लीजिए, वरना आप घी और पानी से भी हो जाएगा। ऐसे नीचे से प्लेट्स लगाइए, आप ऊपर लगाएंगे तो वो जब आप क्लोज करेंगे तभी वो उसी में चला जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा कि इस रूप में मेरे बेटे का पूजन कौन करेगा, तो शिव जी ने पार्वती जी को वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं से पहले गणेश जी का पूजन होगा। उनके पूजा के बिना कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होगा और उनके पूजा के बिना हर पूजा अधूरा माना जाएगा। और बहुत सी कहानियां हैं फ्रेंड्स। कहते हैं कि एक बार पार्वती जी को अमृत से भरा और ज्ञान से भरा एक मोदक मिला था। उसी मोदक के लिए कार्तिकेय और गणेश जी बहुत लड़ रहे थे। ऐसे नीचे से प्लेट्स लेना है फ्रेंड्स, ये प्लेट्स लेना आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बस यहीं पे सब दिखता है, उसका सब डिज़ाइन बन जाता है। और मीडियम साइज आप ऐसे लेंगे तो वो बराबर आकरा बन जाते हैं बस। और फीलिंग करने के बाद सिर्फ गोल गोल घुमाना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो उस मोदक के लिए कार्तिकेय और गणेश जी लड़ रहे थे, तभी पार्वती जी ने कहा कि जो भी सारी देवी देवताओं के
स्थानों के तीर्थ स्थानों के भ्रमण करके जो पहला आ जाएगा मैं उन्हें ये मोदक दूंगी। तो कार्तिकेय जी का वाहन था गरुड़, तो उन्होंने झट से चलाए गए और भ्रमण करके आ गए। लेकिन अपने गणेश जी का वाहन था अपना उंदिर मामा, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही माता पिता का परिक्रमण किया और शिव जी के पास जाकर खड़े हो गए। ये देखकर पार्वती जी ने कहा कि ये सारी देवी देवताओं से स्थानों के भ्रमण से भी बढ़कर हैं, तो मैं ये मोदक गणेश जी को दूंगी। तो तभी उनको ज्ञान से भरा अमृत से भरा मोदक मिला। मैं यहाँ पर पानी लगा रही हूँ फ्रेंड्स, सब खत्म हो गए बना के, फिर पानी मैंने लगाया थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ पर स्टीम करने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पर रखने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाला था, एक के ऊपर मैंने थोड़ा सा येलो कलर, मेरे पास केसर नहीं था, येलो कलर डाल के मैंने एक के ऊपर मैंने डाला है, ट्राई किया था, वो अच्छा दिख रहा था। बाद में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा था। मैंने 25 मिनट्स के लिए रखा था स्टीम, धीमी आंच पर स्टीम देने के लिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बन गए थे मोदक के। आप ज़रूर बना के देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। गणेश जी को दो बेटे हैं शुभ और लाभ, और उनको दो बीवियां हैं रिद्धि सिद्धि। थैंक यू फ्रेंड्स।